इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज से लॉकडाउन है, लिहाजा लॉकडाउन तो किया गया पर गरीबों के सामने उनकी रोजी रोटी का मसला आन खड़ा है कि किस तरह से पहले ही लॉकडाउन की वजह से एक साल पहले जो जख्म थे आज भी वो गहरे हैं और वो आज भी दर्द दे रहे हैं। लिहाजा एक फिर लॉकडाउन से इंसान मौत की कगार तक पहुंच चुका है। कई लोगों का तो कहना ये है कि कोरोना से तो बाद में मरेंगे, लेकिन भूखमरी से मरने की नौबत आई है। हमारे साथ यहाँ पर फोर्ट रोड पर मौजूद हैं, ये हर रोज़ जो है जूस का अपना कारोबार करते हैं। ये लॉकडाउन जो हुआ है उसके बारे में बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा ऐसा धंधा है, रोड पे है, ऐसा क्या बिजनेस करने का, ऐसा लॉकडाउन होते रहा तो रोजी रिजक नहीं रहता हमारा, क्या करने का, ऐसा पैसा नहीं तो क्या करने का। रोज़ कितना कमाते हैं आप? रोज़ मैं कमाते हैं 200-300 रुपये इतना ही कमाता हूँ। ऐसा बरस बरस में लॉकडाउन हुआ तो क्या करने का अभी हम। क्या नाम है? मेरा नाम जकरिया। हमारे जकरिया भाई का कहना है कि मैं रोज़ सड़क पर बैठकर 200-300 का कमाई करता हूं और उसी से गुजारा होता है, लिहाजा इस तरह से बार बार लॉकडाउन करने से हम जीते जी मर जाएंगे, उनका ये कहना है। आइए बेलगाम शहर के कई ऐसे कारोबारी, छोटे मोटे ताजिर जो सड़कों पर बैठ कर कारोबार करते हैं, वो उनका अपना क्या इजहार ख्याल करते हैं। माझा शांता विजय निर्मळकर। असं तुम्ही गरगरीबातनं लॉकडाऊन करत बसला, घरात सकाळून संध्याकाळी खाणार आम्ही। आज आम्ही 50 रुपये कमवलं तर संध्याकाळी आमची लेकरासनं घेऊन आम्ही 1 किलो तांदूळ रांधून खाण्याची परिस्थिती असून, एवढं तुम्ही लॉकडाऊन करत बसला तर आमचे गरगरीब कुठं जाणार आम्ही? हां, अशी परिस्थिती, कोण भीक मागणारी असते, कोण दारूवाला असतंय, कोण विधवा बाई असते, कोण पोरं बाळ नसलेली बाई राबून खाणारी कुठे जाणार? सरकारने हे विचार करायला पाहिजे की गोरगरीबाचा असला पैसा गरीब बसून खातोय, आमच्यासारख्यानी गरीब लोक कुठं रस्त्यावर बसून खाऊन कसं जीवन जगायचं? हां, दवाखाने गेले 10,000 बिल भरा म्हणतात, कुठे गेले 10,000 बिल भरा, कुणाकडे गुण भरायचं? आम्ही आमच्याकडे हाय काय ऐपत, आम्ही 8-10 रुपयाची कमी संध्याकाळी 1/2 किलो तांदूळ नेऊन खाणारी माणसं आम्ही, अशी आमची परिस्थिती आणून बसलेली आहे। ह्याच्यात जगायचं का पोराबाळाने गुण विष खाऊन मरायचं आहे? एवढंच आम्हाला विनंती आहे तुमच्याकडे सरकारवर। हमारे साथ मौजूद हैं कमल बैलूरकर, जो यहाँ पर जो है सब्जी बेचने का काम करती हैं। लॉकडाउन से काफ़ी परेशान है, वो भी अपनी दास्तान बयान करना चाहती है। बताइए ये जो लॉकडाउन लगा इसके बारे में। अब दरोज उठ को गए बरस भी 4 महीने घर में रहे हम, रोज उठ को हम व्यापार करने वाले, रोज उठ को रोज कमा को रोज बाजार कर ले को जाने को पेट को खाने वाले, बच्चों को संभालने वाले। जो अभी ऐसा करे दिन दिन ज़्यादा ज़्यादा करने लगे तो कैसा चलाने का हमारा घर? दरोज का हमारा रोज का धंधा है, वो कच्चा भाजीपाला का व्यापार है। दरोज क्या 100-150 मिले तो ले जाको बच्चों को खाने वाले हमें। और ऐसा 3 घंटे घर को यो चालू करे 6 बजे से 9 बजे तक, क्या रात भर जाको माल लाना बेचना, कौन आने वाला पब्लिक? और पेट को तो हम क्या खाने का है क्या? नहीं, अचानक ऐसा बंद कर को बोले, साहूकार लोग का बाजार रहता है, उन्हें भर ले को खाते हैं, उनके तिजोरा भरे सो रहता है। हमें दररोज लोका को खाने वाले, दररोज लोका को तब का तब लगा को 1/2 किलो 1/2 किलो खाने वाले लोग हमें। ऐसा करे तो दररोज उठ को बंद बंद करे तो हमें क्या करना रोजमर्रा की जिंदगी? तुम्हें तुम्हारा नाम नंदा वामनकर। किधर से? न्यू गांधी नगर। नंदा वामनकर भी है हमारे साथ और वो भी इस तरह से रोज़ सड़क पर अपनी सब्जी बेचती हैं, इसी तरह से गुजारा करते हैं। बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी गरीब की परिस्थिति ऐसी चली बा, हमारा क्या भी उन्होंने दियो को बाद में बंद करना, नहीं तो कहीं का पहला यो करना क्या भी समझाना? रोज उठ को मरने के बदले 21 बार क्या भी जहर की बाटली ला को देना, सबको पिला को छोड़ना, उधर देखो सबको छोड़ ये जो मोहतरमा यहाँ पर जो गुजारा जो यहाँ पर सब्जी बेच रहे, इनका कहना है की हुकूमत बजाय लॉकडाउन के एक जहर की बोतल ही अपनी तरफ से दे दे और हम सबको जान से हमको भेजा रखो गए, हम तो रोज राप को भेजा रहे,
हमारा कौन पालने वाला नहीं। यहाँ पर भाजी मार्केट में मरकजी भाजी मार्केट कहा जाता है, यहाँ पर सड़क पर बैठकर रियाज और शंकर ये दोनों भी रोज हर रोज यहाँ पर कुछ बेचते हैं, तभी तो जाकर उनके घर का चूल्हा जलता है। आप ये लॉकडाउन अगितला इतर बगे ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಾವು ಬಡವರ ಹೆಂಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಲ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅದ್ರಾಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ದುಡ್ಡಿದ್ದಿಲ್ಲೇ ನಿರ್ವಹ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ದುಡ್ಡದಾಗನೇ ನಾವು ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್। ಸರಿ ವಾದಿಮೆ ಅಂತ ಸುಬ ಸೆ ಶಾಮ್ ಥೋಡೆ ರಾಕೋ ಖಾನೆ ವಾಲೆ ತುಮ ಐಸಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಹೆ ತಾ ಕೈಸಾ तुम्ही लॉकडाउन कर दे कैसा पगार दे बोलो, पगार दे बोलो। और हम घर को पगार देना मगता है, हम जोरू बच्चे डर से खाना नहीं, चावल है हमारे घर के अंदर दिन भर आबने का खाने का, और तुम्हें लॉकडाउन ऐसा करने लगे, तुम क्या करने का तुम ही बोलो। हाँ हम क्या करने का गरीब लोग, सुबह से शाम तोड़े हम आबने वाले 500 200 300 कमाने वाले, आज बंद करे चिल्ला कैसे चिल्लेगा ना, तुम्हें बताओ अब क्या कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा लॉकडाउन बारे बार लॉकडाउन करने लगे हैं तो हमारा धंधा कैसे चल रहा है? क्या कोरोना से मरेंगे अगर को लॉकडाउन कर रहे हैं? पहला भूख से मरते हैं, कोरोना से नहीं मरते। अभी कोरोना क्या होने वाला, अभी गरीबी पेट को अनाज नहीं तो मर को जाने वाले, पानी नहीं खाना नहीं कुछ भी नहीं, तकलीफ से मर को जा रहे हैं। और तुम्हें बोल रहे हैं कोरोना बंद करो, इधर बंद करो, अब क्या करना तुम्हें बोलो। हम एक बाकी अकाउंट में जमा करो पैसे। हाँ आज से 9 बजे लॉकडाउन है, और लिहाजा आप देख सकते हैं कि भीड़ किस कदर यहाँ पर जमा है, और उनकी ये कोशिश यही लग रही है कि 15 दिन जो लॉकडाउन होने वाला है उसमें किसी तरह से हम जिंदा रहे और जो कुछ भी है वो घर लेकर जाए और अपना गुजारा करते रहे 15 दिन। लिहाजा हमारे साथ यहाँ पर सड़क पर बैठ कर लहसुन और अदरक की तिजारत करने वाले हमारे शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई, जो जिस तरह से ये लॉकडाउन का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया है, और पिछले साल भी लॉकडाउन की वजह से जो है घरों में बैठना पड़ा, काफ़ी गहरे जख्म रहे उसके, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जो है अभी गए साल जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब का जो फैसला है ये पूरा बेबुनियाद फैसला है, क्योंकि अभी जो गए साल हम लोगों ने कैसे भी करके दिन काटे, लेकिन ये साल जो है हम लोग बहुत तकलीफ में है। देखो हम लोग है 100-200 रुपये कमाने वाले रास्ते पे बैठ के, ये भी हम लोग अभी कल से हमारा ये भी बंद होने वाला है, हम लोग कैसे अपना घर चलाने का, हाँ हम लोग अभी कैसा चलने का बोलो। ये 15 दिन का जो है इसमें रमज़ान है, ये सब है हमारा खर्चा है, एक एक घर में ऐसी परेशानी है कि खाने को खाना तक नहीं है। हाँ जो कुछ भी है हम लोग गरीब लोग मिल के ही हम लोग मदद कर रहे हैं घरों में, तो इसमें जो सरकार है जो सही फैसला नहीं ले पा रही है, क्योंकि जो है अभी फिलहाल को हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोगों का अभी एक ऐसे है कि हम लोग आत्महत्या करने की ऐसा एक नौबत आ गई है। तो बेलगाम ऑटो ड्राइवर के अंदर कुछ भी बस स्टैंड बंद किया, पहला बस बंद हो गए, बस बंद होने के बाद में ऑटो ड्राइवर पूरा रोड पे आ गए। अब दूसरा यह है कि ऑटो ड्राइवर अभी जब गाड़ी चलाना चाहता है तो उसके लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कुछ सरकार से कुछ भी फ़ायदा भी नहीं है। अब ऑटो वालों के लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा होने के लिए सरकार ने कुछ भी, गई बार जैसा 5,000 रुपये डाला था, इस बार रमज़ान की ईद भी है, सोच समझ के कम 15,000 से 20,000 रुपये हर ऑटो ड्राइवर को कर्नाटक के देना चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूँ। कर्नाटक सरकार से ये बुहार है कि रास्ते पर जितने भी लोग व्यापारी बैठे हैं उनके लिए कुछ भी अकाउंट में डाले, पैसा वगैरह दे, बहुत अच्छा होगा सरकार का। मरने वाले मरते हैं, जगने वाले जगते हैं, बड़े वाले पैसा रहने वाले के पास पैसा रहता ही, पैसा रहने वाले पैसा मजा करता है, गरीब क्या बुरा आपको क्या क्या भीख मांगने का इनके पास। बस ये लॉकडाउन 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 बोल करके जो अवाम को गुमराह किया जा रहा है, ये सब एक घनेरी साजिश है, और इसमें जो है बेचारे गरीब जो मजदूर हैं, जो रोज़ रावने वाले सुबह में राव कर शाम में घर लेकर जाने वाले लोग हैं, वो बेचारे मजबूर हैं,
कि क्या करें, ये लॉकडाउन जैसा आया उनके घरों में बस अंधेरा ही अंधेरा है। और वैसे तो कुछ बीमारी है नहीं, ये एक घनेरी साजिश है। और ख़ास कर ये साजिश जो है, ख़ास रमज़ानुल मुबारक हमारी जो ईद आती है, मतलब जो भी हमारे त्यौहार ये ईद आती है, उसी में ये लॉकडाउन है, कोरोना है, बहुत सारी बीमारियां बस इसी ईद में बताई जाती हैं और बाकी दिनों में तो कुछ मतलब है ही नहीं। और सोशल डिस्टेंस के बारे में ये लोग बताते हैं, जैसे कि अभी मिसाल के तौर पर कुंभ का मेला हुआ, लाखों के मतलब 3 से 4 लाख लोग वहाँ पर जमा थे, उनके लिए कुछ भी नहीं कहा गया। हम रायवारपेट के कलमट रोड पर खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ अरुण नारायण साड़वी हैं, जो छोटी चाय की दुकान वो लगाते हैं और इसी पर उनका गुजारा होता है। लिहाजा आज के जो लॉकडाउन से वो खौफजदा हैं, वो डर में हैं। आप बताइए कि जो लॉकडाउन किया गया है, क्या आप इसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो लॉकडाउन झाले म्हणजे मार्केट बंद होणार आणि आमचं कसं चालणार, गरिबांचा विचार केलेला नाही, तरीबी गरिबांचा विचार करणे विषय घेऊन जरा चुकीचं आहे, तरीबी आम्हाला ह्याच्यातनं गरिबांचा विचार करायचा।